गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ लयाल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एट होम एंड एंजॉय योर क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डू बुक एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर SST। यस, नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू कॉपी वर्क। ओके, आज हम क्या करने वाले हैं? कॉपी वर्क। ओके, व्हाट इज आवर चैप्टर? आवर चैप्टर गुड हैबिट्स एंड मैनर्स। अच्छी आदतें ना? ओके, लेसन नंबर 12। यस, फर्स्टली वी राइट क्वेश्चन नंबर 1, डिक्टेशन वर्ड्स। यस, आवर फर्स्ट डिक्टेशन वर्ड इज HEALTHY, हेल्दी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्वस्थ, है ना? हेल्दी मीन्स स्वस्थ। कॉम्बिंग, COMBING, कॉम्बिंग, COMBING, कॉम्बिंग, है ना? हेयर को कॉम करते हैं ना हम? यस। वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग। वॉशिंग मतलब जैसे हम अपने क्लॉथ्स वॉश करते हैं, डिश वॉश करते हैं, है ना? लाइक दिस। स्नीज मतलब छींकना, SNEEZE, स्नीज मतलब छींकना। सॉरी, SORRY, सॉरी मतलब जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम सॉरी बोलते हैं ना। शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। रेगुलरली, REGULARY, रेगुलरली, है ना? किसी भी काम को कंटिन्यूटी में करते रहना, है ना? रेगुलरली। रॉन्ग, WROONG, रॉन्ग, WROONG, रॉन्ग। Excuse me, excuse, me, excuse me, please, 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 okay? Now next is fill in the blanks with the magic words. हमें क्या करना है? Fill in the blanks को ब्लैंक्स को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ मैजिक वर्ड्स। मैजिक वर्ड्स के हेल्प से हमें जो सेंटेंसेस हैं उनको फिल करना है। विल यू प्ले विद मी? क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो? प्लीज विल यू प्ले विद मी? प्लीज विल यू प्ले विद मी? तुम प्लीज तुम मेरे साथ खेल सकते हो? डैडी एंड मम्मी, थैंक यू डैडी एंड मम्मी फॉर एवरीथिंग, है ना? हमें अपने मम्मी पापा को सभी चीजों के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। मे आई टेक दिस बुक? एक्सक्यूज मी, मे आई टेक दिस बुक? क्या ये बुक मैं ले सकता हूँ? सॉरी, आई फॉरगेट टू ब्रिंग योर गिफ्ट। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं आपका गिफ्ट लाना भूल गया हूँ। सर्कल द करेक्ट वर्ड। ओके, आई विल लर्न बैड मैनर्स और गुड मैनर्स। गुड मैनर्स, सो वी सर्कल ऑन गुड। इफ आई हर्ट समवन आई से प्लीज और सॉरी। जब हम किसी को हर्ट कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं या उसको दिल दुखा देते हैं तो हमें उसे क्या बोलना चाहिए? सॉरी। आई शुड नॉट स्विच ऑफ लाइट बिफोर आई लीव अ रूम। हमें जब हम रूम से बाहर जाते हैं तो लाइट्स को ऑफ करना चाहिए। शुड नॉट और शुड स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर लीव अ रूम। ओके, आई वॉश, डू नॉट वॉश माई हैंड्स बिफोर आई ईट। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई ईट। ओके, आई कीप माई होम एंड स्कूल डर्टी और क्लीन। यस, क्लीन। हमें अपना स्कूल और घर को कैसा रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पुट राइट और रॉन्ग। स्लीपिंग फॉर 8 hours एट नाइट इज अ गुड हैबिट। हमें 8 hours स्लीप करना चाहिए, 8 hours सोना चाहिए। यस, वी टेक ऑन राइट हियर। स्विचिंग ऑफ लाइट्स व्हेन वी लीव अ रूम इज अ बैड हैबिट। हमें जब हम रूम से बाहर जाते हैं तब हम लाइट्स, स्विचिंग ऑफ लाइट्स व्हेन वी लीव अ रूम इज अ बैड हैबिट। ये एक बुरी आदत है जब हम घर कमरे से बाहर निकलते हैं तो उसकी लाइट ऑफ कर देते हैं। नो, इट्स अ गुड हैबिट, सो क्रॉस हियर।
When we sneeze, we say please. जब हम sneeze करते हैं मतलब छींकते हैं तो हम क्या बोलते हैं? Please और sorry. Sorry बोलते हैं तो it's wrong. We should keep our nails clean and short. Yes. We must always play indoor. No. Cross. Okay. Now next is name them. Oil. Name them. Oiling our hair. हमें अपने hair को oiling करना चाहिए कब? Regularly. Regularly हमें अपने सिर में तेल लगाना चाहिए. Washing our hands and face after playing outside. जब हम बाहर से खेलकर आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपने हाथों को धोना चाहिए और अपने फेस को भी वॉश करना चाहिए. When someone does something for us, we must say thank you. जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें उसके लिए क्या बोलना चाहिए? थैंक यू. When we do something wrong and hurt someone, we must say sorry. जब हम किसी का दिल दुखाते हैं या कुछ गलत काम करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी. गिव आंसर इन वन वर्ड. व्हाट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी लिव एंड हेल्दी लिव अ हैप्पी लाइफ? गुड हैबिट्स है ना. हमें स्वस्थ रहने के लिए और एक खुशी जीवन व्यतीत करने के लिए क्या फॉलो करना चाहिए? गुड हैबिट्स. और वो हमारी मदद करते हैं. What help us to stay healthy and live a happy life? कौन हमारी मदद करता है स्वस्थ जीवन जीने के लिए और एक खुशी जीवन जीने के लिए? Good habits. How should we keep our nails? हम अपने nails को कैसा रखना चाहिए? Short and clean. How many hours should we sleep at night? 8 hours. हमें कितने घंटे सोना चाहिए? 8 hours. Okay. When we sneeze, what should we say? हमें क्या बोलना चाहिए जब हमें छींक आती है तो? एक्सक्यूज मी. क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी. ओके. आंसर दीज क्वेश्चन. हाउ शुड वी कीप आर होम एंड स्कूल? हमें अपना स्कूल और घर कैसा रखना चाहिए? वी शुड कीप आर होम एंड स्कूल नीट एंड क्लीन. हमें अपना स्कूल साफ सुथरा रखना चाहिए. व्हाट शुड वी से व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग? We should say please when we ask for something. Okay. When should we comb our hair? We should comb our hair every morning and before going out anywhere. जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं और सुबह उठते ही उठने के बाद हमें अपने क्या करना चाहिए? Every morning हमें अपने hairs को comb करना चाहिए. और जब कहीं बाहर जाते हैं उससे पहले भी हमें अपने हेयर्स को कॉम्ब करना चाहिए. व्हाट शुड वी डू बिफोर ईटिंग? वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग. हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को वॉश करना चाहिए और खाना खाने के बाद में भी करना चाहिए. ओके. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड टुडेज क्लास. वी विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग. टिल देन यू डू योर वर्क इन neat and clean handwriting and don't mistake beta. Okay, and send it to us. It's important. It's send it to us, your teacher. Take care. Bye bye.